हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एस आई एम अनुराधा और आज के सेशन में मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रिक्स डिस्कस करने जा रही हूं जो कि एसएसबी इंटरव्यू में हर एक टेस्टिंग प्रोसीजर में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक दैट यू नीड टू यूज इज इज दैट व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन दैट इज इट कैन बी इन पीपीडीटी इट कैन बी इन इन जीडी ऑफ ग्रुप टास्क और इट कैन बी आल्सो जीपी आप लिटरली बाकी लोगों को बैक करते हैं कि आज मुझे बोलने का मौका दो बट आपको कोई देता नहीं है मौका राइट right? तो आप क्या कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट यू कैन डू इज कंटिन्यू स्पीकिंग वॉट यू आर स्पीकिंग इन अ फ्लूंट मैनर विदाउट स्टॉपिंग अंटिल एवरी वन एल स्टॉप्स एंड लिस टू यू फॉर अ मोमेंट बट नाउ हैविंग सेट दैट आई एम नॉट सी अगर आपको कोई मौका दे रहा है बोलने में तो आप पांच मिनट तक बोलते जाओ बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो बोलना चाहते हो वो कंप्लीट करो और बाकी लोग आपको इंटरफेयर कर रहे हैं ये सोच के रुक मत जाना बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग विच डज हैपन एंड है नेक्स्ट थिंग इज टू सेज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वे टू पार्टिसिपेट इन एनी ग्रुप डिस्कशन आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करना है वॉट इज द स्ट्रैटेजी दट यू हैव टू से वट यू सेन after you have completed saying your point you have to keep yourself shut and let others speak baki logo ko bhi aap mauka do to aapko jo bolna hai try to wrap it up within at least 1 minute और उसके बाद आपको बिल्कुल चुप हो जाना है ताकि बाकी लोगों को भी बोलने का आप मौका दे सको बाकी लोग भी अपना points रख सके

बाकियों को देख के अपने एक्शन को रेसिप्रोकेट करना है और उनके आइडियाज को भी अप्रिशिएट करना है इफ यू आर लाइकिंग दी आइडियाज दिस विल मेक यू 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 लुक दैट दैट आर अ कोऑपरेटिव पर्सन ऑलवेज वांट टू गो एंड अग्री ग्रुप एंड दैट यू आर अ गुड टीम प्लेयर ऑन द अदर हैंड डू नॉट बी द वन हु ओनली वर्क्स इज ओन एंड डजंट लिसन टू अदर्स ये जो आपका एटीट्यूड uh, है ये बिल्कुल आपको अडॉप्ट नहीं करना है The next trick to make your SSB interview work for you is to agree to make them shut up. So, this is again a very good psychological trick. If you kai and suddenly you start agreeing with the person who is accusing you, that person will automatically be a bit you know, shocked that how come he is supporting and he will, you know, his uh, accusations, his way of accusing you or his uh, this tone will come down. So, you can use the same psychological trick in SSB as well, specifically in group discussion or any outdoor task. If you realize karte ho, uh, that a particular candidate is not giving you a chance to speak, or aggressive, start agreeing to his points. So, one time will come when he will feel a soft,

Now some people tend to believe in stories and they overlook the figures. So when you're giving giving someone any da data give it with a story first and then put your data in the middle of your story. Okay? द नेक्स्ट थिंग टू डू इज टू आर्ग्यू वेरी कामली दिस इज इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट के वक्त नॉर्मल है कि हम लोग रेस्टलेस हो जाते हैं ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन आपको बहुत काम वे में बहुत शांत वे में आपको आर्ग्यू करना है सो वेनेवर द क्लैश ऑफ ओपिनियन कमिंग अप इन ग्रुप डिस्कशन इन दैट केस वो आर्ग्यूमेंट का फॉर्म हो जाता है आर्ग्यूमेंट हो जाती है उससे सो वेन यूर आर्ग्यूइंग विद समन ऑलवेज एक्ट इन अ कामर वे डू नॉट एक्ट एग्रेसिवली विद दैट पर्सन दिस कैन कॉज दम टू से something particularly irrational which you can use against them so do it when it when you are in gd or in other group tasks the next thing is to present figures this is again a very good way to put your logical points in front of the group so when you feel that the group is making a mess people are not giving very strong points you can give your figures or statistics or data about your point to make the group calm down and listen to you हो सकता है कि हमेशा फिगर्स एग्जैक्ट ना हो बट अप्रॉक्सिमेट आपको फिगर देना है छूट का फिगर नहीं बताना द नेक्स्ट थिंग इज टू बिल्ड ट्रस्ट एंड नेवर नेग्री दिस इज इंपॉर्टेंट दिस द टू गोल्डन रूल्स ऑफ जीपी और इन एनी ग्रुप डिस्कशन दैट इज टू पार्टिसिपेट इन सच अ वे सो दैट द ग्रुप नॉमिनेट्स यू फॉर द फाइनल ग्रुप प्लान ओके ये जीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है या फिर पीपीडीटी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये आपको ऐसे पार्टिसिपेट करना है जीडी में ताकि जो बाकी मेंबर्स है वो आपको नॉमिनेट करे फाइनल ग्रुप स्टोरी डरेटर और द फाइनल ग्रुप प्लान ओके? फाइनल प्लान के लिए सेकेंड आपको ग्रुप के साथ कभी भी कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करना है ग्रुप को कन्विंस करना है अगर आपको लग रहा है कि नहीं उनसे आपका आपके पास पॉइंट्स अच्छे हैं स्ट्रॉन्ग हैं अगर वो कन्विंस नहीं हो रहा है तो आपको डोमिनेट या प्रेशराइज नहीं करना है जस्ट हैव टू विद द ग्रुप सो

द नेक्स्ट स्टेप टू रिमेंबर इज फलक्रम एंड एफर्ट एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है स्पेसिफिकली फॉर योर ग्रुप टास्क 80 टू 90 परसेंट ऑफ योर आउटडोर ग्रुप टास्क डिपेंड्स ऑन दिस थियरी ऑफ फलक्रम एंड एफर्ट ओके सो यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर नॉलेज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कैंटेलिवर और आपको कभी भी कोई भी टास्क करना है इन ग्रुप टास्क आई एम टॉकिंग अबाउट आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा यू हैव टू सर्च फॉर टू थिंग्स योर नंबर वन एंड विच विल रिस्ट्रिक्ट मोशन ऑफ मटेरियल यानी आपको एफर्ट ढूंढना है एंड वेट ऑफ योर मटेरियल लाइज यानी आपको फलक्रम ढूंढना है वो गेट देर वंस यू गेट दलक्रम देन यू कैन यू नो डू ऑल द थिंग्स ऑन योर ओन एंड यू कैन क्रॉस एनी ऑब्स्टैकल मेक एनी यू नो क्रैक दिन योर ग्रुप टास्क the next thing to remember is a brief for lecture it this is a very useful acronym and a useful way in which you can remember to give your lecture it this is the framework you might say Or for that you brief formula use karna hai. now what is brief b stands for background r stands for reason i stands for introduction e stands for the end or the conclusion and f stands for the follow up or the feedback तो कभी भी आप कोई भी टॉपिक पे लेक्चर दे रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस टॉपिक पे एक बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करना है उसके बाद आपको रीजन देना है वाई यू चोज द टॉपिक उसके बाद उस टॉपिक uh, पे इंट्रोडक्शन देना है फिर उसको खत्म करना है यू हैव टू एंड इट अप एंड देन यू हैव टू मेक अ फॉलो अप और अ सजेशन फीडबैक ऑफ दैट टॉपिक दैट यू हैव डिस्कस और हर एक एक्रोनिम uh, के लिए अगर आप 30 30 सेकंड दे रहे हो इट विल मेक यू थ्री मिनट्स इट विल गिव यू थ्री मिनट्स एंड यू विल बी डन इन द द्री मिनट्स ऑफ द लेक्चर इट द नेक्स्ट थिंग इज गिव कंप्लीट एक्शन इन एस आर टी अब हम लोग बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में जो आपको पता है सेकेंड uh, स्टेज का फर्स्ट टेस्ट होता है और उनमें चार साइक टेस्ट रहते हैं टैट वैट एस आर टी एंड एस डी टी तो पहले हम लोग एसआरटी के बारे में बात करते हैं जहां सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की यूज होती है uh, so, SRT responses में आपको ये पैटर्न फॉलो करना है ही डिड दिस डिड दिस डिड दिस एन achieved this मतलब आपको actions बताना है किस तरह से वो कुछ अचीव किए और क्या हुआ last में जाके so you have to follow this pattern for every response in srt depending on the number of actions which are performed by the characters the next thing is format for wat or wat wat ke liye kya format hona chahiye kabhi bhi koi bhi word aap dekhte ho to aapka format ya framework aapko aise batana hai i strongly believe that

नेक्स्ट इज द इंटरव्यूअर इज योर फ्रेंड अगर आप सोचते हो दैट इंटरव्यूअर इज योर फ्रेंड और अ क्लोज रिलेटिव या ओल्ड रिलेटिव और आप उसके अनुसार उनका सारे क्वेश्चन का आंसर करते हो दिस विल मेक योर इंटरव्यू अ वेरी वेरी गुड एंड अ मोर ओपन टू हिम यू कैन बी मोर कंफर्टेबल एंड रिलैक्स नॉट फील नर्वस एंड यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट बट इंटरव्यू कर इंटरव्यूअर कर अपने रिलेटिव या फ्रेंड सोचने के चक्कर में do not focus on opening yourself up totally because at the end of the day he is not a friend or a relative to you he is uh, at a formal position and he is your uh, interviewing officer so just think very carefully before you utter or speak any word don't speak and uh, later regret the next and the last uh, psychological trick that you need to use in ssb interview is the qualities you would like to improve this is a very important question that interviewing officer will ask you uh, do not straight away say to him what you lack okay instead tell him the qualities that you lack but are highly trainable ओके सो ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज है जो अगर किसी में लैक करता है और अगर आप उस पर प्रैक्टिस करते हो इम्प्रूव करते हो तो आसानी से वो इम्प्रूव हो जाता है फॉर एक्जाम्पल यू कैन से सर आई वॉन्ट टू डेवलप अ ग्रेट स्टैमिना एंड अ चिजल्ड बॉडी और यू कैन ऑल्सो सर आई लाइक टू पॉलिश माई कम्युनिकेशन स्किल्स विद मोर यूज ऑफ गुड वोकेबुलरी नो ऑल दो दीज आर क्वालिटीज दैट यू मे लैक दीज आर हाईली ट्रेनेबल एंड यू कैन अचीव दिस विद लिटल और मोर प्रैक्टिस ओके तो ऐसे कुछ क्वालिटीज के बारे में आपको फोकस करना है जो ट्रेनेबल है जो आप बहुत आसानी से आप थोड़ा प्रैक्टिस से आप डेवलप इजिली कर सकते हो डोंट टॉक अबाउट वेरी नेगेटिव क्वालिटीज और दो क्वालिटीज विच यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग विच आर वेरी हार्ड टू डेवलप ओके सो आई होप दैट आज जो हमने सेशन में साइकोलॉजिकल ट्रिक्स डिस्कस किए ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और आप इन ट्रिक्स को यूज करोगे वन यू गोइंग फॉर योर नेक्स्ट एस एसबी इंटरव्यू फॉर मोर प्रेपरेशन टिप्स अबाउट एस एस बी एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर यू अपकमिंग एस एस बी यू नीड टू जॉइन अर एस एस बी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स विच इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट तो आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और उसके थ्रू आपको इस कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा

एन डी ए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं